हिमाचल प्रदेश में सुक्खू मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद मुख्यमंत्री ने अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है जो वादे हिमाचल की जनता से किए गए हैं उनको पूरा किया जाए। सीएम सुक्खू ने मंत्रिमंडल को संतुलित बताते हुए कहा भविष्य में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले सभी विधायकों ने अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाया और जो उंगली उठाते थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है उनके पास कहने को कुछ नहीं था इसलिए उंगली उठाते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। आज हमने ईमानदार स्वच्छ छवि के सभी लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी है और मंत्रिमंडल का जो हमारी बैठक होगी उसमें हमने जो अपनी गारंटी योजनाएं लाई है जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम है 1500 रुपया हमने अपने महिलाओं के लिए देना है, रोजगार की गारंटी दी है उस पर हमने मंत्रिमंडल के सदस्य और हम सब लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अब तो मंत्री बन गए हैं और पहली ही कैबिनेट में जो हमने कहा है सरकारी कर्मचारी अधिकारी जिन्होंने विकास की गाथा लिखी है उन्हें जल्दी ही एक हफ्ते के भीतर वो सब चीज़ें मिलने जा रही है, वो तोहफा मिलने जा रहा है जो कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल की जनता से किया है। सभी क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है, अभी कुछ वैकेंसियां मंत्रिमंडल में खाली है। हमने तो 10 की प्रपोजल दी थी लेकिन हाई कमांड ने कहा जो हमारे पास स्लिप आई इसमें 7 मंत्रिमंडल है, जल्दी ही इसमें और भी विस्तार किया जाएगा और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हमारा मंत्रिमंडल जन भावनाओं के अनुरूप है, जनता की सेवा करने के अनुरूप है, इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। जनता की सेवा करनी है, बहुत विभाग है, अगर मुख्यमंत्री सोचे कि सभी विभागों का कार्य कर सके तो वो गलत बात है, इसीलिए हमने कहा हम सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं और मंत्रियों को भी पूरे सोचे कि पूरे विभाग है तो इस दृष्टिकोण से नहीं बनाया गया है। अभी हम औरों को भी एडजस्ट करेंगे, इसमें हमें परफॉर्म करना है, हमने 5 साल में गवर्नमेंट का वो सब कुछ देना हिमाचल की जनता को जो हमसे आशा और उम्मीद लगा रखी है, इस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं और जल्दी ही आप देखेंगे कि हमारे जो रिजल्ट है वो आपके सामने आने शुरू होंगे। पोर्टफोलियो जल्दी ही बांट दिए जाएंगे और अभी तो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, थोड़ा सा आप रुकिए, जल्दी ही पोर्टफोलियो का कभी आवंटन कर दिया जाएगा। फाइनली सर, जो सीपीएस बने हैं उसमें कोई लीगल हर्डल नहीं है? नहीं, लीगल हर्डल होगी तो हम उसको खुद स्टडी करेंगे, वो कोई सब प्रकार से स्टडी करके ही बनाए गए हैं।